पहले आप दोनों का स्वागत है टीबीसी बॉलीवुड में। थैंक यू। आपका स्माइल बहुत अच्छी है। अरे और आपको बहुत शुक्रिया, आज कुछ तो अच्छा बोला। सर मुझे जानना था, एक लड़की अगर मेहनत करता है, जैसे आपको पता चला रिक्शा चला रहे हैं तो घर में कुछ आप लोगों के मत आयुष्य, एक लड़की अगर मेहनत कर रहा है तो बल्कि घर वाले खुश होता है, पर इसमें पहली बार देख रहा हूँ जो प्यार में नोक कभी ऑफ कभी डाउन होता है, इसे क्या है? लड़की रिक्शा चलाती है उस चीज़ से कभी दिक्कत नहीं शादी से पहले, लेकिन वो लड़की अपना परिवार चलाने के लिए रिक्शा चलाती है, वो खुददार है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब पैसा है और हम देने के लिए तैयार हैं तो उसकी खुददारी आज भी जिंदा है। वो इतनी खुददार है कि उसने बोला कि शादी के बाद कि मैं एक रुपया नहीं लूँगी, और अगर आपको जिन हालातों में शादी हुई उनको हमेशा, मुझे ऐसा लगा कि इसने या तो पैसे के लिए शादी की है या पावर के लिए शादी की, लेकिन इतने टाइम के बाद भी उसने आज तक एक रुपया नहीं लिया। तो बात ये थी कि जब हमने तुमसे मना किया है सब कुछ हम देने के लिए तैयार, उसके बाद भी तुम रिक्शा चला रही हो, तो वो दिक्कत वहाँ पैदा हो कि शादी के बाद एक ऐसा इंसान जिसकी इमेज उसके लिए सब कुछ है, तो वो तुमने ब्रेकिंग न्यूज़ बना दी रिक्शा चला के, तो वहाँ थोड़ी सी तकलीफ़ है, वहाँ परेशानी है। उससे पहले सबको पता था कि रिक्शा चलाती हैं, मेरी माँ जिनसे इनकी दोस्ती टूटी उनको पता था कि रिक्शा चलाती हैं और उन्होंने ही शादी कराई। ये तो खुददारी हुआ कि मतलब भले हम कितने बार ना बन जाएं, लेकिन मेरा जो एक काम है वो काम हम करेंगे, हम अपना भी एक हो सकता है। या आपको जानने की कोशिश किया, मतलब कोशिश किया आपने इसके पीछे क्या राज है क्या? मैं अगर सच बताऊं आपको, खुददार हमेशा रहना चाहिए। अगर हम टीवी के अलावा बात करें तो इनकी जो खुददारी दिखाई जा रही है कि भाई इनका पति है, पैसा है, लेकिन अगर ये नहीं ले रही है, हालांकि इनको ले भी लेना चाहिए क्योंकि पति भी इनका ही है। जी जी राइट, वो बात भी ठीक है। और खुददार ये इसलिए हैं अगर, क्योंकि अगर मैंने इनसे ना बोला होता कि तुमने पैसों के लिए शादी की है, पावर के लिए की है, तो शायद ही मुझसे पैसे ले भी लेते, लेकिन इनके आत्मसम्मान पे ठेस पहुँचे। तो खुददार हमेशा होना एक बहुत अच्छी बात है, खुददार होना चाहिए। आप क्या बोलना चाहते हैं? खुददार होना अच्छी बात है। अगर सावी खुददार है, वो पैसे नहीं लेना चाहती है क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो मजबूरी में शादी होती है, और अगर शायद अगर प्यार भी होता पति पत्नी में तो शायद वो बात आती है कि जहाँ अंडरस्टैंडिंग होती है, यहाँ जहाँ पहले से ही, पहले दिन से और मिलने से भी पहले जब पहली मीटिंग हुई थी वही चोर कह दिया था, तो अब वो कहीं ना कहीं छप गया है शायद। ये आवाज़ जाएगी कैसे? अच्छा, मैं कहने का मतलब ये मैम, शादीशुदा जिंदगी में पीआर मीडिया आना एक बहुत बड़ा दखल होता है, मतलब खेलते हुए जिंदगी में एक आग लगाने वाला होता है, आप लोग कहाँ तक चाहते हैं कि ये आग ज़्यादा ना फैले? अब आग तो फैल चुकी है और मीडिया ने जो करना था मीडिया को वो कर चुकी है। मेरा जो रिक्शा चलाने वाला वीडियो है शादी के बाद का, वो उन्होंने वायरल कर दिया है, वो भी उस दिन जिस दिन दालमिया इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा इवेंट था, तो वैसे ही वो डील भी हाथ से चली गई और रेपुटेशन का भी कचरा हो गया, मेरा भी सच सामने आ गया, तो दिक्कत तो उसी वजह से हो रही है। लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि ये क्या डांस जो हो रहा है दिखावा हो रहा है, प्यार जो दिखा रहा है, सीन जो चल रहा है घर में, या इसे फेक है? मतलब आप दोनों, ये फेक है? फेक है, लेकिन वही मीडिया को दिखाना है तो इसके लिए हम फेक कर रहे हैं, तो हमें उनके सामने ये नहीं दिखाना है कि हमारे बिजनेस लॉस की वजह से हमारे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, या हमारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, या मुझसे इनको कोई प्रॉब्लम है, या पूरे परिवार को प्रॉब्लम है, बस यही दिखाना है कि नहीं सब नॉर्मल है और सब ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों का प्यार ऐसे चलते रहे, नोकझोंक चलते रहे, जाते जाते टीवी से बॉलीवुड आपके नाम के साथ बोल दीजिए, आप कीमती वक्त के साथ टीवी से बॉलीवुड तक। हेलो, मैं हूँ समृद्धि शुक्ला और आप मुझे देख रहे हैं टीवी से बॉलीवुड पर। एंड यू? हाय, मैं हूँ फरमान हैदर और आप मुझे देख रहे हैं टीवी से बॉलीवुड पर। थैंक यू, थैंक यू।